हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि एग्जाम में हम लोग टाइम एंड वर्क पर 500 क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। अभी तक हमने कुल 35 क्वेश्चन कम्प्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 36 सेशन है फ्रेंड्स, हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं सेशन की ओर। दोस्तों, अभी तक हमने कुल 180 क्वेश्चन कर लिया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 181 है। तो आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? P can do a work 3 times faster than Q। जो P है जो Q से तिगुना fast काम करती है, देरी से काम करती है। And therefore takes 40 days less than Q। और इसलिए Q से 40 दिन कम समय लेती है। कौन? P है जो कम समय लेता है। Find the time in which P and Q can complete a work individually। तो पूछ रहा है कि P और Q का individual यानी अकेला अकेला दोनों का दिन निकालिए। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो दिया हुआ है पी है जो और क्यू का इफिशियंसी दिया हुआ है। जब भी फास्टर रहे, स्ट्रॉन्गर रहे, ये क्या दर्शाता है? इफिशियंसी को दर्शाता है, कार्य क्षमता को दर्शाता है। तो इफिशियंसी कितना दिया हुआ है? तो पी है जो 3 times फास्टर है क्यू से, यानी क्यू को अगर 1 मानेंगे हम लोग, 1 इफिशियंसी मानते हैं, तो पी कितना होता है? 3 हो जाएगा। कितना है? 3 times फास्टर है। और एंड देयर फॉर टेक्स 40 डेज लेस देन क्यू, इसलिए क्यू से कितना कम लेती है? तो 40 दिन कम लेती है, यानी क्यू ज्यादा लेता है और पी कम लेता है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? तो 40 डेज डिफरेंस हो गया। कितना डिफरेंस हो गया फ्रेंड? तो 40 डेज डिफरेंस हो गया। तो हम लोग जानते हैं जो इफिशियंसी है जो क्या टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी उल्टा होता है। तो अगर टाइम का हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? 1:3 कितना हो जाएगा फ्रेंड? 1:3, 3:1 है। तो दो अगर आदमी रहता है तो हम लोग चेंज कर देते हैं, पलट देते हैं, तो 1:3 हो गया। ये कैसे हुआ? तो इफिशियंसी क्या मैंने क्या बताया आपको कि डेज का टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी उल्टा होता है। तो 3 का उल्टा कितना होगा? 1/3 होता, और 1 का उल्टा कितना होता? तो 1/1 होता। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो आ गया 1 का 1, पी का 1 आ गया, और पी को कितना है? 3 आ गया, यानी 1:3 हमारा टाइम का रेशियो आ गया। तो दिया हुआ कितना? क्यू माइनस पी 40 दिन, यानी दिया हुआ हमारा डिफरेंस दिया हुआ है क्यू और पी का 40 डे डिफरेंस है। हम लोग डिफरेंस यहाँ कितना देख रहे हैं? तो पी 1 है और क्यू 3 है, तो दोनों के बीच में कितना यूनिट का डिफरेंस है? तो 2 यूनिट का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है? तो 2 यूनिट का, यानी 2 यूनिट बराबर 40 डे दिया हुआ है। कितना? तो 2 यूनिट बराबर 40 डे। तो 1 यूनिट बराबर कितना डेज होगा फ्रेंड्स? 2 यूनिट बराबर 40 डे दिया हुआ है, तो 1 यूनिट बराबर कितना डेज होगा? तो 1 यूनिट बराबर 20 डेज होगा। कितना होगा? तो 2 से डिवाइड कर दें, कितना आ गया? तो 20 डेज, 1 यूनिट बराबर 20 डेज। तो अब किसका किसका पीछा पूछा है? पी और क्यू का अकेले अकेले का पूछा है। तो पी कितना यूनिट है? तो पी हम लोग देख रहे हैं कि पी है जो 1 यूनिट है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 20 डेज आ गया, यानी पी का वैल्यू कितना आ गया? 20 डेज। और क्यू कितना यूनिट है? तो क्यू हम लोग देख रहे हैं कि 3 यूनिट है। तो क्यू 1 यूनिट बराबर 20 डेज, तो 3 यूनिट बराबर कितना डेज होगा? तो 20 × 3 यानी 60 डेज। तो कितना हो गया? 60 डेज हमारा हो गया। तो फ्रेंड्स, पी का कितना वैल्यू आ गया? तो पी का हमारा 20 डेज आ गया और क्यू का 60 डेज आ गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 181 आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 182 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 182 क्या बोल रहा है हमारा? कि 12 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 15 मैन। तो फ्रेंड्स, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ? 12 आदमी है जो 12 आदमी जो काम को 20 दिन में कर पाते हैं। कितना दिन में? तो 20 दिनों में, यानी टोटल वर्क अगर हम निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा टोटल वर्क? तो 12 × 20, 12 आदमी जो 20 दिनों में काम करते हैं, 12 × 20 आ गया हमारा टोटल वर्क। तो बोल रहा है इसी काम को 15 आदमी कितने दिनों में कर पाएंगे? तो क्या करना होगा हमें? डेज निकालना होगा। तो क्या करेंगे? टोटल वर्क डिवाइड बाय मैन। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कितना आ गया? डिवाइड बाय 15 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका डेज आ जाएगा। तो पहले क्या करना है फ्रेंड? टोटल वर्क निकालना है। इस क्वेश्चन में टोटल वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? तो टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पर्सन
इनटू डे क्या होता है, टोटल वर्क का फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ पर्सन इनटू डे, तो हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। फिर टोटल वर्क आ गया, इसी वर्क को कितना आदमी कर रहा है, तो 15 मैन, क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 आदमी इसी वर्क करता है कितना दिनों में, तो हम डिवाइड कर देंगे बिटवीन, तो हमारा डे आ जाएगा, तो कितना होगा, 3 × 12, 3 × 15 और 5 × 20, यानी 16 डेज में 15 आदमी है जो काम को खत्म कर देगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 183 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 183 क्या बोल रहा है हमारा, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज, ए और बी किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 9 डेज और उसी काम को बी और सी मिलकर 9 दिन में पूरा करते हैं, और फिर दिया हुआ सी और ए मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो फाइनल टाइम इन विच ए बी एंड सी कैन फिनिश द होल वर्क टुगेदर, तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, तो क्या दिया हुआ है, ए और बी काम को 3 दिन में करते हैं और बी और सी उसी काम को 9 दिन में करते हैं और सी और ए उसी काम को क्या करते हैं, 12 दिन में करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले टाइम इन वर्क हमें क्या करना चाहिए, टोटल वर्क निकालना चाहिए। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो हम लोग टाइम का एलसीएम लेते हैं, जिसका एलसीएम लेते हैं टाइम का, 7 दिया हुआ है 3, 9, 12 उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो 3, 9, 12 का एलसीएम कितना होगा, 36 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इफिशिएंसी निकालते हैं, कार्य क्षमता निकालते हैं, तो कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता 12 आ गया और बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितना आ गया, 36 / 9 यानी 4 आ गया और सी प्लस डी की कार्य क्षमता 3 आ गया, कितना है फ्रेंड, 3 आ गया, 36 / 12। उसके बाद क्या करना है, तो हमें तीनों का पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का पूछ रहा है समय, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में इस काम को पूरा कर पाएंगे, तो यहां हम देख रहे हैं कि सबसे पहले इफिशियंसी, सबका इफिशियंसी हम लोग निकालते हैं, तो यहां देख रहे हैं कि ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार है, यानी 2a + 2b + 2c का इफिशियंसी है ये सर, तो हम लोग ऐड कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए फ्रेंड्स, तो ए प्लस बी प्लस सी, 2 हम लोग कॉमन ले लिए, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो जोड़ते हैं हम सारा इफिशियंसी को, तो 12 × 4 = 16, 16 दिन कितना होता है, 19, तो 19 आ गया, यानी कितना आ गया, 2a + b + c इस पर 19 आ गया, तो हम लोग क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, तो 19/2 इफिशियंसी आ गया, कितना आ गया फ्रेंड, तो 19/2 कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता 19/2 आ गया, हमें क्या निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी का डेज पूछ रहा है, यानी टाइम पूछ रहा है, टाइम कैसे निकालते हैं, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशियंसी, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना हमारा 36 है, 36 डिवाइड बाय टोटल इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी कितना है, तो 19/2 कितना फ्रेंड्स, तो 19/2, तब क्या कर देना है, 36 × 2 / 19 यानी कितना आ गया, 72/19 कितना आ गया फ्रेंड्स, 72/19 डेज हमारा आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल 57 × 3 = 60 × 7 = 12 हाँ फ्रेंड्स कितना आ गया, तो 3 whole 15/19 डेज आ गया, तो फ्रेंड्स कितना हमारा आंसर आया, तो 3 whole 15/19 हमारा आंसर आया फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का 3 whole 15/19 डेज हमारा आंसर आया, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 183 आपको समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 184 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 184 क्या बोल रहा है हमारा, इन अ कैंप 95 मैन हैड फूड फॉर 200 डेज, एक कैंप में 95 आदमियों के लिए भोजन है कितना दिन में, 200 दिनों में, 200 दिन के लिए भोजन है 95 आदमियों के लिए, आफ्टर 5 डेज 30 मैन लेटर कैंप, फिर दिया हुआ कि 5 दिन के बाद 230 आदमी है जो कैंप को छोड़ के चले जाते हैं, तो फॉर हाफ डेज विद द रिमेनिंग फूड लास्ट टाइम, तो जो भोजन है कितने दिन तक चलेगा, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे हम डील करते हैं आइए हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा टोटल वर्क, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो
टोटल वर्क मैंने पहले बताया, टोटल नंबर ऑफ मैन इनटू डेज, कैसे टोटल नंबर ऑफ मैन इनटू डेज, तो टोटल नंबर ऑफ मैन कितना दिया हुआ 95 दिया हुआ और डेज दिया हुआ कितना 200, तो टोटल वर्क कितना आ गया तो 95 into 200। अब इसके बराबर कर लेना आपको जो दिया हुआ आपको कंडीशन, आपको 530 मैन लेकर के आना, यानी दिया हुआ 5 दिनों बाद 30 आदमी है जो कैंप छोड़ के चले जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि 5 दिन तक जो 95 आदमी थे वो तो काम करेंगे, यानी हमारा कितना काम हो गया, तो 5 into 95 प्लस में, अब हमें पता नहीं है कि डेज कितना दिन तक काम करेंगे, तो एक्स दिन, और लेकिन ये पता है कितना आदमी काम छोड़ के चले गए, तो 30 आदमी है जो काम छोड़ के चले गए, तो कितना आदमी काम करेंगे, तो 95 पहले थे, 30 आदमी काम छोड़ के चले गए, तो कितना हो गया, तो 95 minus 30 यानी 65। उसके बाद सॉल्व कर लेना है आपको, एक्स का वैल्यू कितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं सॉल्व करके, 95 into 200 कितना हो जाएगा, 19,000 कितना हो गया, 19,000 हो गया, और ये कितना हो गया, तो 25 5 2 9 4 75 हो गया, कितना हो गया 475 और 65x, ठीक है फ्रेंड। अब इसको माइनस कर देना, 475 को इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा फ्रेंड माइनस कर लेंगे तो 5 2 5 8 यानी 18,525 आ गया, कितना आ गया 18,525 आ गया, तो 18,525 आ गया माइनस 475 तो कितना आ गया 18,525 इस बल्टू में 65x, तो कितना आ गया फ्रेंड्स 18,525 75 और 4 से, तो 5 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, ठीक है 18,525 आ गया, 30 के बराबर है 65x के बराबर। तो काटेंगे हम लोग 65 से, तो कितना हो जाएगा, अगर 5 हम लोग काटते हैं तो कितना हो जाएगा आइए देखते हैं, तो 18,525 है उसको 65 से काटते हैं, तो 5 से काट के देखते हैं कितना आएगा फ्रेंड 13 और 5 3 15 5 7 35 और 25 25, ठीक है फ्रेंड्स। फिर 13 से काट के देखते हैं, 13 में 26 यानी 26 हो गया, तो 110 हो गया, 13 8 74 से तो 74 से हो गया, तो 13 को 65 तो 285 कितना आ गया फ्रेंड, तो 285 दिन, कितना 285 दिन आपको लगेगा फूड को खत्म होने में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको मेथड समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, तो जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 185 जो पढ़ते हैं फ्रेंड, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185 क्या बोल रहा है, 40 आदमी हैं जो किसी काम को बीच में पूरा करते हैं, आफ्टर हाउ मेनी डेज 8 मैन लेफ्ट द वर्क दैट द वर्क शुड बी डन इन 24 डेज, तो कितने दिनों के बाद 8 आदमी जो काम को छोड़ देंगे, तो काम हमारा 24 दिन में समाप्त होगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं, पहला तो लॉन्ग मेथड है, दूसरा है तो ट्रिकी मेथड है, ताइए हम दोनों मेथड को देखते हैं। तो पहला मेथड हमारा लॉन्ग मेथड, वो देख लेते हैं, टोटल वर्क कैसे मैंने बताया था निकालने के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ मैन इनटू टोटल नंबर ऑफ डेज, तो कितना आदमी है, तो 40 आदमी है जो बीच में काम कर रहे हैं, यानी टोटल वर्क आ गया हमारा, उसको बराबर कर देना है। तो फिर क्या किया हुआ है, आफ्टर हाउ मेनी डेज 8 मैन लेफ्ट द वर्क सो दैट द वर्क शुड बी डन इन 24 डेज, तो पूछ रहा है कितने दिनों के बाद 8 आदमी काम को छोड़ दें कि हमारा वर्क 24 डेज में कंप्लीट हो पाए। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द 8 मैन लीव द वर्ल्ड इन एक्स डे, यानी 8 आदमी है जो एक दिनों के बाद काम को छोड़ते हैं, तो एक दिनों के बाद काम को छोड़ेंगे 8 आदमी, यानी एक दिनों तक 40 आदमी काम किया, ठीक है फ्रेंड, एक इंटू 40 आदमी 40 दिन 40 आदमी काम किया एक दिनों तक। उसके बाद अब हमारा जो एक दिन तक हो गया, अब हमारा कितना दिन टोटल है 24 डेज है, एक दिन तो हो गया तो रिमेनिंग कितना डेज बचेगा 24 माइनस एक्स, और कितना आदमी होगा, तो 8 आदमी काम को छोड़ दिया, यानी एक दिन तक 40 आदमी काम किया, अब जो रिमेनिंग डेज है उसमें कौन 8 आदमी काम को छोड़ दिया है, तो कितना आदमी हो गया 40 माइनस 8 घटाएंगे यानी 32 आदमी हो गया।
इतना भी हो तो 32 हो गया। तो फ्रेंड इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स जो आएगा हमारा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए तो सॉल्व करते हैं, कितना हो गया तो 800 हो गया। 800 इज इक्वल टू 40x प्लस में 24 इंटू 32 कितना हो जाएगा फ्रेंड, 24 इंटू 32 तो करके देख लेते हैं, 4×4=8 यानी 768 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड, 768। तो 768 माइनस में 32x तो 40x माइनस 32x कितना हो गया 8x हो गया। तो 800 माइनस 768 बराबर में कितना हो जाएगा तो 8x हो जाएगा। कितना हो गया फ्रेंड तो 8x हो गया, 8x हो गया। तब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, कितना आ गया 32 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड तो 32 आ गया इक्वल टू में 8x। तो x का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड 4 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड तो 4 आ गया। 8x का वैल्यू कितना आ गया, 8x का वैल्यू 32 आया, x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 दिनों के बाद जो 8 आते हैं तो काम को छोड़ देंगे। तो हमारा आंसर हो गया 4 days। कितना हो गया फ्रेंड 4 days आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिकी मेथड क्या है वो देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक तो आपको कुछ नहीं करना है, पहला टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 40 × 20 कितना हो गया 800, 40 × 20 कितना हो गया 800। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, फिर 40 ले लीजिए। अब मैंने जो बोल रहा है कि वर्कर है जो 8 वर्कर है जो काम को छोड़ देते हैं, तो हम लोग मान लिए कि 8 वर्कर यदि काम को नहीं छोड़ते तो कितना रहता, 40 रहता, लेकिन काम खत्म हो रहा है 24 दिन में, इशू 24 यानी कितना आ गया तो 40 × 24 तो 24×96 यानी 960 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड तो 960 आ गया यानी 160, यानी 160 काम है जो ज्यादा हो रहा है, 160 काम ज्यादा हो रहा है। तो वो कौन कर रहा है, 160 काम ज्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने 8 जो वर्कर लेफ्ट किया था वो हम लोग नहीं लिए, हम लोग ले लिए 400 वर्कर लगातार काम कर रहा है 24 दिन तक, इसलिए हम एक्स्ट्रा वर्क आ रहा है। कितना आ रहा है एक्स्ट्रा वर्क तो 160 आ रहा है। उसको जो एक्स्ट्रा वर्क आया उसको जो टोटल नंबर वर्कर हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो टोटल नंबर वर्कर कितना है 40 है, तो कितना हो जाएगा 4 days हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा टिक ये रहा, उम्मीद करते हैं कि हमारा टिक आपको पसंद आया हो। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।